दिस इज हनीफ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर थिंग्स रिलेटेड टू वो। और आज हम लोग जो वो पे डिस्कस करेंगे वो कल की क्लास में हम लोगों ने पार्टिसिपल को डिस्कस किया था, जिसमें से कुछ रूल्स को हमने डिस्कस किया था, कुछ बाकी रह गया था, तो उसी के आगे आज चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो उसमें तो पहले से आप पूछ सकते हैं, ताकि उस चीज़ को पहले डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद में हम आगे टॉपिक पर चलेंगे। तो सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग। दिव्या जी गुड इवनिंग, तमन्ना बानो गुड इवनिंग, रंजन जी गुड इवनिंग, सचिन कुमार गुड इवनिंग, रवि सिंगल गुड इवनिंग, सोनिया जी गुड इवनिंग, मृत्युंजय जी गुड इवनिंग, भावना जी गुड इवनिंग, शुभम जी गुड इवनिंग, रीमा जी गुड इवनिंग। मैं लोट हाँ लेट नहीं हो, क्योंकि आज मैं भी थोड़ा लेट हूँ। रोशन जी राम राम, यशवीर गुड इवनिंग, सूरज जी क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मृत्युंजय सभी बच्चों के चैट देखेंगे तो और लोग के क्वेश्चन भी जान सकेंगे। क्वेश्चन जान के क्या करोगे, क्वेश्चन जो भी पूछेंगे वो क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा ही यहाँ पे, ठीक है। तो राहुल जी गुड इवनिंग, हिमांशी गुड इवनिंग, और देवरतन गुड इवनिंग, प्रिंस पांडे गुड इवनिंग, रोशन जी सर जी इंस्टाग्राम पर आप नहीं दिखे, आईडी डालोगे तब तो दिखेंगे, ऐसे कहाँ से दिखेंगे। आईडी जो मैंने मेंशन किया था वो डालोगे, बहुत सारे लोगों ने आया है रिक्वेस्ट, मैसेज भी आए हैं, क्वेश्चंस भी आए हैं। सोनी शुक्ला गुड इवनिंग, सूरज जी गुड इवनिंग, कृष्ण कृष्णा जी गुड इवनिंग, शुभम जी इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सर, हाँ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बट नाउ इट्स नॉट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बिकॉज द रेन हैज़ स्टॉप्ड राइट नाउ, ठीक है सर आज से लेट हो गया, नहीं लेट नहीं मैं भी लेट ही हूँ, ठीक है सर मुझे डाउट था पर कमेंट करके पूछना मुश्किल है, मैं कॉल किया था पर आप ऑफिस से जा चुके थे। राहुल जी आपने कॉल किया था, उससे पहले किसी ने कॉल किया था, काफ़ी देर तक बातें हुई थी, शायद पूर्णिमा जी थी या कौन थी, किसी की कॉल आई थी, तो आप बाद में आज कॉल करिएगा। सर इंग्लिश में कैसे अच्छा स्कोर किया जाए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड नॉट ओनली अ मैन, प्रैक्टिस मेक एवरी वन परफेक्ट, सो आई वुड से प्रैक्टिस मेक अ मैन एंड वुमन परफेक्ट, हर एक को परफेक्ट कर देगा प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा है हिरेन कुमार जी, शालिनी जैन गुड इवनिंग, दिव्या सर आज शेक्सपियर्स पोएम की पीडीएफ मिल गई, बहुत अच्छी बात है रिवाइज कर डालिए। आईडी बता दीजिए फिर से, पिछली क्लास में आईडी बताया था, ध्यान नहीं दिए होंगे तो दोबारा से देखिए सर, मेरी भी रिक्वेस्ट। सोनिया आपने किया ही नहीं रिक्वेस्ट, तो कहाँ से होगा, आप करेंगे तभी तो आएगा। रमन चौहान गुड इवनिंग, तमन्ना सर आप कैसे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ठीक है क्लास स्टार्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे आईडी कैसे भेज देंगे, ठीक है लेट हो तो आज है डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे, पहले से हम लोग लेट हैं थोड़ा आज, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, करेक्ट यूज ऑफ पार्टिसिपल हम डिस्कस कर रहे थे, तो फिर से लिखेंगे करेक्ट, करेक्ट यूज ऑफ पार्टिसिपल, करेक्ट यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का सही यूज। कुछ चीज़ों को हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था, यानी कि कल की क्लास में, बाकी की चीज़ों को और डिस्कस करेंगे। पहले कुछ सेंटेंस नोट करेंगे, पहला सेंटेंस है व्हाइल, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड अ कार रैन डाउन, रैन डाउन एन ओल्ड मैन, रैन डाउन एन ओल्ड मैन,
While crossing the road, a car ran down an old man. दूसरा सेंटेंस है, आप बताएंगे करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरा सेंटेंस है, या ऐसे नोट कर लेंगे वाइल हटा करके दूसरे तरीके से। स्टैंडिंग नियर गेट अ डॉग बीट हिम। स्टैंडिंग नियर द गेट अ डॉग बीट हिम। ये दोनों सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि पहले सेंटेंस से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन गेट पे खड़ा हुआ था, रोड पे कौन क्रॉस कर रहा था, किसको कार ने कुचल दिया। सेकंड से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि गेट पे कौन खड़ा हुआ था किसके द्वारा, और डॉग ने काटा उसे पता चला, लेकिन कौन गेट पे खड़ा हुआ था यह भी पता नहीं चल पा रहा है। इतने को हम डिस्कस करेंगे। सीमा पटेल, मैं अलग टॉपिक पूछ रही हूँ। टुडे इज माई बर्थडे, तो इसको बोलेंगे इट्स माई बर्थडे टुडे। अगर आप सच में बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू यू, और खाली अगर सेंटेंस ही पूछ रहे हैं तो इट्स माई बर्थडे टुडे, ठीक है, बर्थडे गर्ल। और कह रहे व्हाट्स द एरर सेंटेंस है, इट वॉज बिटर कोल्ड एंड बी प्रेफर्ड नॉट टू गो आउट दैट नाइट। इट वॉज बिटर कोल्ड। ये जो एंड आप कंजंक्शन लगा रहे हैं तो ज्यादा सही होगा सो लगा देंगे, वैसे एंड से भी सही मीनिंग दे रहा है। इट वॉज अ विटर कोल्ड, सो लगाएंगे ज्यादा सही मीनिंग देगा। सो वी प्रेफर्ड नॉट टू गो आउट दैट नाइट, ठीक है, या एट नाइट लगा देंगे तो सही होगा। इट वॉज अ बिटर कोल्ड, वैसे बिटर कोल्ड, इट वॉज बिटर कोल्ड एंड वी प्रेफर्ड, सो वी प्रेफर्ड ज़्यादा सही हो जाएगा। राहुल जी लिखेंगे सो वी प्रेफर्ड नॉट टू गो आउट, एट नाइट लिखेंगे दैट नाइट के स्थान पे। इस सेंटेंस को देखेंगे यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो ये सेंटेंस जो सही बनेगा इसका दो तरीके से सही कर सकते हैं। पहला सेंटेंस इसका सही हो जाएगा, वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, एक सेंटेंस हो जाएगा। While he was crossing the road, car ran him down. अच्छा, या ही के स्थान पे हो जाएगा ओल्ड मैन, वाइल एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, वाइल एन ओल्ड मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड अ कार रैन रैन हिम डाउन। और दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, While crossing the road, while crossing the road, he was run down. Down by a car. ध्यान से समझेंगे, पहला सेंटेंस जो हमने मेंशन किया था इसके दो सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे, और ये दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट हैं।
वाइल क्रॉसिंग द रोड अ कार रैन एन ओल्ड मैन, इससे हमें कंफर्म नहीं पता चल रहा है कौन रोड क्रॉस कर रहा था, तो कार ने उसे कुचल दिया। इस वजह से जब वो बूढ़ा आदमी रोड को क्रॉस कर रहा था तो कार ने उसे कुचल दिया, यह सेंटेंस सही है। और जब हमने यहाँ पे बना लिया क्या सेंटेंस, वाइल क्रॉसिंग द रोड, अच्छा यहाँ पे ही, सॉरी इसको सही करेंगे थोड़ा, ही के साथ में एन ओल्ड मैन, एंड तो वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वॉज रन डाउन बाई अ कार। तो यहाँ पे जो ओल्ड मैन आ रहा है, इस ओल्ड मैन को यहाँ पे हम सब्जेक्ट मान सकते हैं, जैसा कि हमने कल बताया था कि जब बूढ़ा आदमी रोड को क्रॉस कर रहा था तो कार ने उसे कुचल दिया। तो ये कहते हैं वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वॉज रन डाउन बाई अ कार, इसको पैसिव में बना दिया गया है, तो ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। और यदि हम पहले सेंटेंस की बात करें, वाइल एन ओल्ड मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड, तो इस सेंटेंस को एक्टिव में बनाया गया है, और इसमें कहना चाहते हैं कि जब ओल्ड मैन रोड को क्रॉस कर रहा था तो कार ने उसे कुचल दिया। तो इस तरह से जब सेंटेंस हम मेंशन करेंगे तो प्रॉपर तरीके से सेंटेंस की मीनिंग हमें पता चल जा रहा है। इस वजह से ये दोनों तरीके सही हैं, लेकिन ये सेंटेंस आपका एम्बिगुअस है, यानी कि मीनिंग उसकी क्लियर नहीं है, उसी वजह से रॉन्ग था। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, तो जो हमारा दूसरा सेंटेंस मेंशन किया गया है, तो हमारा दूसरा सेंटेंस, ही वॉज रैन डाउन वाइल क्रॉसिंग द रोड, हाँ वो भी अलग है सेंटेंस, उसको चेंज करना पड़ेगा, एन ओल्ड मैन वॉज रन डाउन बाय अ कार वाइल क्रॉसिंग द रोड। सूरज अगर ऐसा बनाएंगे तो सेंटेंस पूरा चेंज करना पड़ेगा, और हमें एक ही पार्ट में मिस्टेक निकालना होता है, इस वजह से इस तरीके से बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस, स्टैंडिंग नियर द गेट अ डॉग बिट हिम, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे, इसका दो सेंटेंस बन जाएगा। पहला इसका हो जाएगा व्हेन व्हेन ही वॉज स्टैंडिंग नियर द गेट, व्हाइल ही वॉज स्टैंडिंग नियर द गेट अ डॉग बिट हिम, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, व्हाइल स्टैंडिंग नियर द गेट गेट ही वॉज बिटन बाय आ डॉग, ही वॉज बिटन बाय अ डॉग। तो इस तरह से दोनों सेंटेंस यूज कर सकते हैं और ये सही हो जाएंगे। एक सेंटेंस इसी तरीका और लेते हैं समझने के लिए, एक बार लिखेंगे कि ये समझ आ गया सभी को। पहले ये वाले क्वेश्चन जो यहाँ पर है इसको समझ लेंगे, डाउट वाला अगर बीच में बताते रहेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। अभी डाउट वाले जो भी क्वेश्चन है तो आप एंड में पूछेंगे, बीच में अगर लेंगे तो उसमें दिक्कत होने लगती है, यहाँ मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है वहाँ यहाँ, क्योंकि ये टॉपिक लेकर चल रहे हैं ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत लगे कमेंट आ रहे हैं कि ये वाला थोड़ा समझ नहीं आ रहा, और उसी बीच में अगर डाउट लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो जो भी डाउट है रीमा जी या राहुल जी, हम बाद में आपके डाउट्स लेंगे, अभी जब क्लास होगी तो उसके बाद में, अभी जब क्लास हो जाएगी तो इसके बाद कॉल करिएगा, फिर आपके डाउट बता देंगे जो भी होंगे। तो इसको दोबारा से एक बार मैं बता दे रहा हूं, पहला सेंटेंस से वाइल क्रॉसिंग द रोड अ कार रैन डाउन एन ओल्ड मैन, ये कहना चाहते हैं कि जब रोड को, यहां से हमें पता नहीं चल रहा है सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि रोड कार क्रॉस कर रही थी या कोई व्यक्ति कर रहा था, इस वजह से सेंटेंस हमारा पहला रॉन्ग है इसका। ये जब सेंटेंस बनाएंगे दूसरा सेंटेंस बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा सेंटेंस जब हम बनाएंगे कि वाइल क्रॉसिंग द रोड, वाइल एन ओल्ड मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड अ कार रैन डाउन
आकार रैन हिम डाउन, तो हिम को यहां यूज कर देंगे, ओल्ड मैन को पहले यूज किया, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड बना देंगे व्हाइल क्रॉसिंग द रोड एंड ओल्ड मैन वॉज रन डाउन बाय अ कार, तो ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। दो तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस की बात करें कि दोनों सेंटेंस में हमारे पास प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट है, यहाँ पे ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर कार सब्जेक्ट हो गया, सही है। और इस सेंटेंस की बात करें तो ओल्ड मैन दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, इसलिए ये वाला भी सही हो गया। इसी तरीके से यहाँ बात करेंगे व्हेन ही वॉज स्टैंडिंग नियर द गेट, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया और दूसरा यहाँ पर डॉग बिट हिम, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, दोनों सेंटेंस का प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे स्टैंडिंग नियर द गेट, तो ये जो ही है, ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, इस वजह से ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसी से रिलेटेड, सिटिंग सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन द सनसेट द सन द सनसेट सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन द सन सेट डाउन, या खाली सेट देखोगे तब भी हो जाएगा सेट। ये कहना चाहते हैं कि जब, अब इसको हम सब्जेक्ट, अगर सन है यहां पे, सन माने क्या सूरज होता है, अगर इस सन को सब्जेक्ट मानते हैं इस सेंटेंस का, तो क्या हो जाएगा, सूरज माउंटेन के टॉप पे बैठा हुआ था और फिर सूरज ये डूब गया, जो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग माउंटेन के टॉप पे बैठे हुए थे तभी सूरज डूबा, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से यूज करना होगा और इसका सही सेंटेंस हो जाएगा व्हेन वी वर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन द सन सेट डाउन द सन सेट। तो अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, जब हम लोग माउंटेन के टॉप पे बैठे हुए थे तो सूरज डूब गया, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ही वॉज सिटिंग, हाँ ही भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम कॉमन सेंस में लेते हैं, यानी कि ऐसा प्रोनाउन या नाउन यूज करते हैं जो जनरल सेंस में आए, तो इसमें से वी का प्रयोग कर देंगे, दे का प्रयोग कर देंगे, कुछ भी यूज कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस करना होगा और फिर ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि यहां तक की चीजें आपको समझ आई होंगी सभी को, यहां तक के किसी को कोई डाउट हो तो पूछेंगे। तो अगले नोट करेंगे, इसके बाद में जो आपका नोट करना होगा, इसके बाद में नोट करेंगे जेरंड, अगला आप नोट करेंगे जेरंड। जेरेंड को हम कैसे फॉर्म करते हैं, तो जेरेंड हम यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वी फर्स्ट हो जाएगा, वी फर्स्ट के बाद में यूज करेंगे आईएनजी, और ये जो होता है वी फर्स्ट आईएनजी, जैसे कि हमने यहां पे यूज कर दिया रीडिंग, या यूज कर दिया गया स्पीकिंग, रीडिंग स्पीकिंग हो गया। ये जो होता है किसका काम करता है, तो ये नाउन का काम करता है, इसको हम बोलते हैं वर्बल नाउन, वर्बल नाउन बोलते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंस नोट करेंगे, पहला सेंटेंस है
क्लासेस फॉर डांसिंग. सेकेंड सेंटेंस है शी हैज बिकम द डांसिंग आइडोल ऑफ इंडिया. एंड थर्ड सेंटेंस है शी इज डांसिंग टू प्लीज द ऑडियंस. टू प्लीज द ऑडियंस तीन सेंटेंस है. हर एक सेंटेंस में डांसिंग का प्रयोग किया गया है और डांसिंग आपके आईएनजी फॉर्म में आ रहा है. पहले सेंटेंस में भी डांसिंग आ रहा है, सेकंड में भी डांसिंग आ रहा है. यहां पे देखेंगे तो यूज किया गया है डांसिंग, यहां पर यूज किया गया है डांसिंग, यहां पर भी यूज किया गया डांसिंग. तीनों जगह डांसिंग का प्रयोग किया गया है लेकिन तीनों जगह डांसिंग का फंक्शन अलग अलग है. पहले सेंटेंस में उसने क्लास ज्वाइन किया गया डांस सीखने के लिए, तो जब भी ना नी नी की मीनिंग आती है वो जेरंड होता है डांस सीखने के लिए. तो ये आपका हो गया जेरंड, ये नाउन का काम कर रहा है. यहाँ पे किसका काम करता है? नाउन का. और जब नाउन का काम करेगा तो क्या हो जाएगा? जेरंड. तो यहाँ पर ये है जेरंड. यहाँ पर देखेंगे डांसिंग के बाद में यूज किया गया आइडोल, यानी डांसिंग आइडोल की विशेषता बता रहा है. एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा. इस सेंटेंस में डांसिंग का प्रयोग किया गया इस के बाद यूज किया गया, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा वर्ब. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. आई होप ये डिफरेंस समझ आया होगा कि आईएनजी फॉर्म में आकर के हमेशा ना तो पार्टिसिपल होता है और ना ही हमेशा जेरंड होता है और ना ही हमेशा टेंस होता है. डिपेंड करता है किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से वर्क करता है. हम सेंटेंस में देख करके ही बता सकते हैं कि वर्ब क्या है, पार्टिसिपल है, जेरंड है या फिर टेंस है. राइट. इन्फिनेटिव और डिफरेंस इसमें यह होता है कि इन्फिनेटिव जो होता है टू लग करके बनता है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और जेरंड में आईएनजी फॉर्म आता है. बस यही डिफरेंस होता है. यूसी दोनों के एक जैसे होते हैं. और कुछ सेंटेंस लेते हैं जिसके ताकि आपको समझ आ जाए. एग्जाम्पल के तौर पर यह सेंटेंस समझाने के लिए था. कुछ और सेंटेंस लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे, तीन सेंटेंस और लेंगे. तो इसमें अगला सेंटेंस है हमारा फोर्थ नंबर का. शी राम इज ड्रिंकिंग वाटर सेकेंड सेंटेंस है, यानी कि इसका पांच नंबर का. राम हैज बॉट ड्रिंकिंग वाटर. नेक्स्ट सेंटेंस है राम हैज बॉट वाटर फॉर ड्रिंकिंग. सभी सेंटेंस में देखेंगे आप तो क्या यूज किया गया है? ड्रिंकिंग का प्रयोग किया गया है. यहां पे ड्रिंकिंग क्या है? वर्ब का काम कर रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है. यहां पे ड्रिंकिंग क्या है? वाटर की विशेषता बता रहा है, पीने वाला पानी.
जब भी हम ये पार्टिसिपल होता है तो ये वाला होता है, वाली होता है, या हुआ होता है, हुई होता है। हुआ हुई या वाला वाली इसकी मीनिंग होता है। जेरंड होगा तो ये ना नी की मीनिंग देगा, ना नी की मीनिंग देगा। इंग्लिश में समझना चाहे तो जब जेरंड होता है नाउन का काम करता है, यहाँ नाउन लिखा है, जब पार्टिसिपल होता है तो एडजेक्टिव का काम करता है। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, टेंस हो गया। इस सेंटेंस में बात करेंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इसके बाद में अगर इस सेंटेंस में बात करें नाउन का काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जेरंड हो जाएगा। आई होप कि अब आप डिफरेंस कर पाएंगे, जेरंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव है। ये बेसिकली बात ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेट लेवल, जैसे TGT PGT के एग्जाम हो गए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो लोग ध्यान देंगे इसका। फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ड्रिंकिंग में जेरंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सभी को समझ आ गया होगा। अब इसके बाद में रूल इसका नोट करेंगे, दो इंपॉर्टेंट रूल इसके होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल होता है, आप सभी को याद होगा कि हमने आपसे बताया था कि जब भी हम टू का प्रयोग करते हैं तो टू के बाद क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और यदि हमने गलती से वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर दिया, फोर्थ फॉर्म यूज कर दिया, फोर्थ फॉर्म के माने ही होता है ing फॉर्म, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि यदि हम कहते हैं टू टेल तो टू टेल क्या होता है, सही होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कहते हैं टू टेलिंग तो टू टेलिंग ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या कहता है, इन्फिनिटिव कहता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या देखेंगे, जेरन में कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पे टू लगा होता है, टू के बाद भी हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उसे आप याद रखेंगे, होते तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हम उन्हीं को मेंशन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उस पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। टोटल 15 फॉर्म का एग्जाम्पल दे दी, 15 फॉर्म का एग्जाम्पल क्या कहना चाहते हैं सूरज, टोटल 15 फॉर्म का एग्जाम्पल दे दीजिए, क्या मतलब ये 15 फॉर्म। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, जब भी हमें यूज करना होगा लुक फॉरवर्ड टू, फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू, व्यू टू अकस्टम्ड टू accustomed to accustomed to addicted to worth, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, इनके बाद में हम यूज करते हैं वी फर्स्ट प्लस आई एन जी, यानी कि वर्ब का आई एन जी फॉर्म होता है, इसी को हम बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कह सकते हो, और इसी को हम जेरंड भी बोलते हैं। जेरंड पहला सेंटेंस है। हाँ, लुक फॉरवर्ड टू की मीनिंग होती है इंतजार करना, विद अ व्यू टू की मीनिंग होती है के उद्देश्य से, अकस्टम टू अभ्यस्त हो जाना, एडिक्टेड टू लत लग जाना, वर्थ माने लायक होता है। पहला सेंटेंस है, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट, और दूसरा मीटिंग यू,
सेकंड सेंटेंस है, दे ज्वाइंड माई क्लासेस व्यू टू पास पासिंग विद गुड मार्क्स। थर्ड सेंटेंस, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक स्मोकिंग स्मोकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, द ताजमहल इज वर्थ विजिटिंग प्लेस। अकस्टम्ड होगा ये मिस नहीं हुआ, ए डबल सी यहां पे है, बस ये जो है नी आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, ए डबल सी यू अकस टी ओ एम ए डी, वो डबल सी वहां पे है। सिमरन जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ज्वाइन माई क्लासेस विद अ व्यू टू पासिंग। हाँ तो सब सेंटेंस में क्या हो जाएगा, पहला सेंटेंस में क्या होगा, टू तो आएगा ही, मीटिंग आ जाएगा, यानी कि वो तुमसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद अ व्यू टू, टू टू आए, टू आएगा ही, उसके बाद पासिंग हो जाएगा। थर्ड, ही इज एडिक्टेड, टू आएगा स्मोकिंग हो जाएगा। थर्ड में है, यहाँ पे टू आता है डायरेक्ट विजिटिंग का प्लेस करते, वर्थ विजिटिंग कई बार एग्जाम में आया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, वो फोर्थ राइट। आपको हमने नाउन के चैप्टर में पढ़ाया था कि जब हमें कहना होता है ये मेरी पेन है, ये समझ आ गया होगा सभी को, इजी है ये, कोई डिफिकल्ट इतना है नहीं, ठीक है। आपको हमने नाउन के चैप्टर में पढ़ाया था कि जब भी आपको बोलना होता है ये मेरी पेन है, तो आप क्या बोलते हो, ये मेरी पेन है, तो अब यही तो बोलोगे माई पेन। मेरी पेन के लिए क्या बोलोगे, माई पेन। तुम्हारी पेन तो क्या बोलोगे, योर पेन, योर पेन। ये पेन क्या है तो आप बताएंगे ये नाउन है, यहाँ पे पेन क्या है ये भी एक नाउन है। अच्छा यहाँ पे अगर हम ऐसा बोल दें इसको, इसको बोले यू मी पेन, मी पेन, ये यहाँ पे बोल दें यू पेन, यू पेन, या ऐसे इसके बाद में हम बोल दें मोहन पेन, मोहन पेन, यहां पर बोल दे सोहन पेन, तो आपका आंसर क्या होगा कि ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, ठीक है। यहां पे क्योंकि जब भी नाउन है तो नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो ये सही हो जाएगा, और जब नाउन की बात करते हैं तो आप बोलेंगे यहां पे एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, यहां पर भी एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। क्यों ऐसा लगाते हैं, क्योंकि दो नाउन को एक साथ में हम कभी नहीं यूज़ कर सकते, कोई ऐसा रूल होता ही नहीं है कि दो नाउन को एक साथ हम यूज़ करें, और अगर किसी कंडीशन में हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे पहला वाला नाउन एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं वैशाली जी गुड इवनिंग, रोशन जी कह रहे कि नहीं आया, एक बार फिर से सुनेंगे,
वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ठीक है? नहीं समझ आएगा तो कल बोलिएगा मुझे। अब यहां पर देखेंगे, जैसे हम कह रहे हैं कि माई पेन और योर पेन, तो मी पेन, मोहन पेन, यू पेन। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी हमें नाउन यूज करना होता है उससे पहले हम पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। अगर हमें नाउन यूज करना होगा तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, तब ये सही होता है। अभी आपको बताया गया जेरेंड क्या होता है। जेरेंड, जैसे हमने कहा स्पीकिंग, स्पीकिंग एक जेरेंड है, और जेरेंड भी क्या होता है, तो आप बोलेंगे जेरेंड भी एक नाउन होता है। और जब ये नाउन होता है तो इससे पहले क्या आएगा, मी आएगा या माई आएगा। तो चूंकि आपको अभी हमने बताया कि जब भी हमें कोई नाउन यूज करना होता है, नाउन से पहले अगर हम कोई नाउन यूज कर रहे हैं तो यह तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा होगा, और प्रोनाउन होगा तो उसका पॉजेसिव केस होगा। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे माई स्पीकिंग हो जाएगा, और जब यहां पर बात करेंगे तो क्या होगा, मोहन होगा या मोहन्स, मोहन्स स्पीकिंग। तो आप सभी का आंसर होगा कि चूंकि यहां पे नाउन है, स्पीकिंग जेरंड का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, मोहन्स स्पीकिंग, राइट। इसी चीज को हम नोट कराएंगे कि जब भी हमें यूज करना होता है जेरंड, तो जेरंड से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो पॉजेसिव फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में, पॉजेसिव फॉर्म में। सूरज जी, पहचानने की जरूरत ही नहीं, क्यों पहचानेंगे, इसमें जेरेंड है नहीं भाई, इसमें जेरेंड पहचानने की जरूरत क्या है, क्वेश्चन में जेरेंड पहचानने की बात ही नहीं कर रहा है। यह तो आपको आंसर करना है कि जब टू आ रहा है तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाओगे, ठीक है? वो तो समझाने के लिए जेरेंड आपको बताया गया, क्यों पहचानेंगे जेरेंड, आपके एग्जाम में जेरेंड पहचानने के लिए नहीं कहेगा, वो कहेगा इसमें आईएनजी फॉर्म लगा है तो इसमें क्या आएगा, तो मीटिंग है, इसमें क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, मीटिंग लगा, आईएनजी फॉर्म यूज कर देंगे। आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म आने के बाद दो ही चीज बनता है, क्या बनता है, या तो पार्टिसिपल बनता है या तो जेरंड बनता है। अब ये एडजेक्टिव है नहीं, किसी की विशेषता बता नहीं है, तो क्या होगा, जेरंड हो गया। तो सिंपल सा तरीका फॉलो करेंगे। अब इस वाले बात करेंगे, इसका रूल नोट कर लें, जो हम अभी आपको समझा रहे थे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? रूल हम ये बता रहे थे, वी ऑलवेज यूज वी ऑलवेज यूज पॉजेसिव केस ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन बिफोर जेरंड, बिफोर जेरंड। जब भी हमें जेरंड यूज करना होगा तो उससे नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसका पॉजेसिव केस आएगा। एग्जाम्पल से ज्यादा समझेंगे, पहला सेंटेंस है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, योर। आंसर करेंगे आप लोग, रीडिंग ऑफ द सिचुएशन दूसरा सेंटेंस है, द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू ड्राइवर ड्राइवर्स डिस रिगार्डिंग द सिग्नल ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं,
शी डजेंट लाइक, वो पसंद नहीं करती है मोहन मोहन कमिंग लेट। मोहन का देर से आना उसे पसंद नहीं है। क्या आएगा आंसर इसमें? नो वन इज लाइव, आयशा जी कह रही हैं। हिमांशी कह रही है डिपेंड्स अपॉन योर रीडिंग ऑफ द सिचुएशन, बिल्कुल सही है। और सोनी ये कह रहे हैं ड्राइवर से आएगा पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल सही आंसर है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, योर रीडिंग ऑफ द सिचुएशन, योर हो गया बिल्कुल सही आंसर। यहाँ ड्राइवर्स हो जाएगा और यहाँ पे मोहन्स हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और यहीं पे आपका ये खत्म होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे हम स्टार्ट करेंगे, किसकी बात करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगली आपकी हेडिंग हो जाएगी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। तो हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी की। प्राइमरी ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी अभी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होता है टू बी, इसमें एक तो होता है टू बी, दूसरा होता है टू डू, और थर्ड होता है टू हैव। तो आज हम डिस्कस करेंगे टू बी को, ठीक है? तो आपकी हेडिंग है टू बी। अब जो बी होता है इसके फॉर्म क्या क्या होते हैं? तो होता है इज, आई एम, आर, वॉज, ये इसके फॉर्म होते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट फॉर्म होता है बी। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वॉज। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपको कंफ्यूजन यहीं पे ज्यादा होता है, वॉज वर। और थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो फर्स्ट फॉर्म बी हो गया, सेकेंड फॉर्म वॉज हुआ, थर्ड फॉर्म बीन। एक क्या होता है फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं हम, इसी का फर्स्ट फॉर्म ये भी होता है इज, आई एम, ये भी फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म वॉज वर हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म में फिर से बीन हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो बी होता है इसके फर्स्ट फॉर्म में दो चीजें होती है, ये भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। दैट मीन्स कि फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास तीन प्रकार, दो प्रकार के होते हैं फर्स्ट फॉर्म में, एक तो बी से होता है, एक इज एम आर से होता है। बी को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो आप सभी को पता है कि जब भी हमें इन्फिनिटिव फॉर्म करना होता है, इन्फिनिटिव से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो जब कभी भी इन्फिनिटिव बनाएंगे तो इस वाले बी से बनाएंगे, बाकी हर जगह हम इस बी का प्रयोग करते हैं। या जब भी विल शैल का प्रयोग करते हैं तब भी ये वाला फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। अब बी माने क्या होता है? होना होता है। बी की मीनिंग क्या होता है? होना। अगर नहीं पता है तो नोट कर लेंगे, बी मीन्स होना। सेंटेंस बनाकर देते हैं, पहला सेंटेंस है, जैसे आपको कहना है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। तो यहां पे जो बी यूज किया गया क्या है? इन्फिनेटिव यूज किया गया। इन्फिनेटिव क्यों यूज करते हैं? जब दो वर्ब साथ में आते हैं, पहले बताया जा चुका है। तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, आई
वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। दोनों सेंटेंस की मीनिंग सेम होती है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। वो लोग जनरली बी का प्रयोग करते हैं तो दोनों की मीनिंग सेम होती है। आयशा जी कहने के सर आई थिंक वी नो ऑल अबाउट ग्रामर, बहुत अच्छी बात है। आयशा जी अगर आपको पता है सारी चीज़ ग्रामर में। आई लर्नड मैनी थिंग्स बट डे बाई डे आई गॉट मोर सिलेबस, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर होगा, समझ आ गया होगा। बीन का थर्ड फॉर्म के रूप में हम यूज करते हैं। अब बी का हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं तो देखेंगे। ठीक है, टू बी इज एम आर वॉज वर। सर संडे को कौन सा क्लास होता है? तमन्ना जी संडे को क्लास होती है लिटरेचर की। स्टार्टिंग में जेरंड आया, ऐसे सेंटेंस पे क्वेश्चन होता है जसवीर जी। स्टार्टिंग में जेरंड आया, जैसे हमने कहा स्विमिंग इज, सीइंग इज बिलीविंग, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सीइंग इज बिलीविंग। देखो ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ये सारे होते हैं, लेकिन बेसिकली मेरा काम होता है एग्जाम को टारगेट करना, तो मैं वही उसी चीज़ को आपको बताता हूँ जो एग्जाम में आता है। बाकी इस इन्फिनिटिव जेरंड को हम खूब आपको पढ़ाए 4-6 लेक्चर में, लेकिन इतना कन्फ्यूज हो जाएंगे कि जो भी आपके काम का है उसमें आपको पता नहीं चलेगा एग्जाम में आता क्या है। और अभी हमने उसी चीज़ को डिस्कस किया जो एग्जामिनर पूछता है। आप बुक में देखेंगे तो बहुत कुछ होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बस यहाँ पर आप इसीलिए आए कि बुक में बहुत कुछ होता है, तो हम काम की चीज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आता है और मैं उसी पे फोकस करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका जेरंड यूज किया गया सब्जेक्ट के रूप में। स्विमिंग इज गुड, अगर यहाँ पे स्विमिंग देख लेंगे, स्विमिंग इज गुड। स्विमिंग इज गुड। अब यहाँ पर भी क्या, स्विमिंग जेरंड हो गया, तैरना अच्छी बात है, तो ये सब जेरंड यूज करते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे बी की बात कर रहे थे। पहला पॉइंट है बी का कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो इसके कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट बी का, सबसे पहला कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो पहला हो जाएगा बी इज यूज्ड इन इन द कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे हो जाएगा सेंटेंस शी वॉज सिंगिंग। आ सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस है ही इज डांसिंग। ये ऑक्सिलरी वर्ब को हल्के में नहीं लेंगे, इसकी कन्फ्यूजन किसी के कभी दूर नहीं होती जल्दी। अब कोशिश करूंगा कि आज के बाद से आपको कन्फ्यूजन रहे इसको पढ़ने के बाद, तो ध्यान देंगे आप। यहाँ पे हमने दोनों क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस यूज किया, इसका प्रयोग किया गया, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा हम कहाँ पे यूज करते हैं, सेकेंड पॉइंट इसका कहाँ पे यूज किया जाता है, तो सेकंड हम इसका यूज करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस में आता है। जैसे पहला सेंटेंस है द डोर वॉज ओपेंड
फूड, इज ईटन बाय हर। तो यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे इज है, इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और ये पैसिव वॉइस में हम यूज कर रहे हैं। देखना है, विश्वास करना है, सीइंग इज बिलीविंग का हिंदी होता है। भावना जी, लिटरेचर क्लास की टाइमिंग आपकी 5 बजे से होगी, अगर जो लिटरेचर में एंट्री जिसकी होगी तो वो लोग रेडी रहेंगे 5 बजे से। सर इट सीम्स दैट क्लास इज गोइंग वेरी फास्ट टुडे। नहीं, क्लास बहुत फास्ट नहीं जा रही, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इस वजह से मैं जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। जहाँ समझाने वाली चीज़ें होगी वहाँ स्पीड से लेकर स्लो चलेंगे। इसमें आपको पहले से पता है इस चीज़ें कि हाँ, वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यहाँ थर्ड फॉर्म आता है, इस वजह से मैं जो है ज़्यादा टाइम लेकर नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, और कल की क्लास वही लोग एंट्री मारेंगे उसमें जो पहले से एंटर हैं, यानी जो TGT PGT के लिए हैं। तो आपको बताया गया कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। एक तो हमने बताया आपको बी का प्रयोग करते हैं हम कंटिन्यूअस टेंस में, दूसरा पैसिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेट जब बताना होता है, द डोर वॉज बींग ओपन बाय समवन। हाँ, तो कंटिन्यूअस का पैसिव बना दिया गया है। ठीक है, वो कंटिन्यूअस का ही पैसिव है, यानी कंटिन्यूअस ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लास यही चलती है, आपके ऐप पर ही चलती है, लेकिन उसमें सभी लोग की एंट्री नहीं होगी, उसमें कुछ ही लोग की होगी, जिन लोगों ने लिटरेचर के लिए एडमिशन लिया होगा उसकी एंट्री होगी उसमें। लिटरेचर PET के लिए नहीं है, लिटरेचर TGT PGT वालों के लिए है। तो ये जो पॉइंट था स्टेट बताने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते थे, ही इज अ बॉय, ही इज अ गर्ल, वहाँ यूज करते, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगली क्लास में जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, टू डू। ये टू डू को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फिर टू हैव पे आएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, टू बी में तो बिल्कुल डाउट नहीं होगा, इसमें कुछ खास ऐसा है ही नहीं, आपको पहले से पता रहा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, किसी को कोई डाउट होगा तो बोलेंगे, मैं थोड़ा इंतजार करूँगा आपका जब तक मैं पानी पी रहा हूँ। हाँ सूरज जी, गो एक सेंटेंस है और एक स्मॉलेस्ट सेंटेंस है इंग्लिश का, इससे छोटा सेंटेंस कोई नहीं मिलेगा आपको। ये गो जो है इंग्लिश लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट सेंटेंस है और ये बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है। आपने कहा गो, जाओ, गिनीज बुक में है ये, इससे छोटा सेंटेंस नहीं होता इंग्लिश में, और ये बिल्कुल एक सेंटेंस है। और किसी के कोई क्वेश्चंस? सर जी, इंस्टाग्राम पर आप कैसे मिलेंगे आईडी? इंस्टाग्राम की आईडी मैंने कई बार आप लोग को बताया है, देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, MOST हनीफ, उसके बाद 91@gmail.com। लेकिन जीमेल आपको डालना ही नहीं पड़ेगा, यहीं तक के डालेंगे आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम। सर वी कैन ज्वाइन द लिटरेचर क्लास और नॉट? ये तो आपको पूछना पड़ेगा, पूछिएगा, बात करिएगा आलोक सर से या बाकी जो लोग होंगे वो आपको बताएंगे। ठीक है सर, टुडेज, हाँ टुडेज में बर्थडे की बात करते हैं, टुडे को दो तरीके से यूज़ करते हैं, टुडे को नाउन की तरह यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाए हो गो के साथ। सूरज जी, मैं जो जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उसमें पंक्चुएशन की मिस्टेक होती ही नहीं। ठीक है,
हाँ टुडेज में बर्थडे में टुडे को दो तरीके से यूज करते हैं, टुडे नाउन की तरह भी होता है वर्ब भी होता है। तो जैसे आपने कहा टुडे TODAY इज माई बर्थडे, अब यहाँ पे टुडे नाउन का काम कर रहा है, लेकिन आपने कहा इट्स माई बर्थडे टुडे, इट्स माई बर्थडे, बर्थडे टुडे। अब यहाँ पे टुडे वर्ब का काम कर रहा है, दोनों सेंटेंस सही होंगे। जैसे आप बोलते हैं यस्टरडे वाज अ फॉगी डे, कल कोहले भरा दिन था, यस्टरडे वॉज आ फॉगी डे। तो यहां पर यस्टरडे नाउन की तरह यूज किया जाता है और कल कोहरे भरा दिन था कहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा यूज करते हैं, सही है। और किसी का कुछ क्वेश्चन था? ओके, अच्छी सी बाइक वाली फोटो के साथ सर के। अच्छा अभी जी कह रहे, देखो ये देख चुके हैं आईडी, रिवर एंड ही वॉज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। ये यदि दोनों ऑप्शन में दिया होगा तो विच वन विल करेक्ट? वीवर सिटिंग ही ऑप्शन में कभी हो ही नहीं सकता है, ऐसा आएगा ही नहीं, हमेशा वी रहेगा, ठीक है? तो आप उससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमेशा ऑप्शन में वी आएगा, वीवर सिटिंग एट द वीवर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन ही आ ही नहीं सकता, ठीक है? उसके बाद सर आई शुड आई कॉल ऑन द गिवन नंबर? हाँ अभी कॉल कीजिएगा भावना जी, अभी तुरंत कॉल करिएगा। सूरज कुमार बाय, ठीक है। सो ओके एवरीवन, गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट, ठीक है, सी यू टुमारो, जिनका भी लिटरेचर है, थैंक यू।